दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके लिए नौकरियों की तरह तरह की जानकारियां लाता रहता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान कॉपर में निकली ट्रेड अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हां, 15 फरवरी लास्ट डेट थी जो पिछली वाली ट्रेड अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट थी, और अब एक नई ट्रेड अप्रेंटिस आ गई है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में, जिसमें आपकी होने वाली है 120 वैकेंसी और जगह होने वाली है बालाघाट मध्य प्रदेश। तो चलिए बिना किसी देरी करके शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इस ट्रेड अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यह है ट्रेड अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट। तो इसमें कौन कौन से ट्रेड होने वाले हैं, हर ट्रेड के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने वाली है और उसमें ट्रेनिंग पीरियड कितना होने वाला है, तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। इलेक्ट्रिशियन की आपकी होंगी 20 वैकेंसी, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 2, मैकेनिक डीजल की 1, वेल्डर की 14, फिटर की 14, टर्नर की 6, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक की 2, ड्रॉट्समैन मैकेनिक की आपकी 3, ड्रॉट्समैन सिविल की आपकी 1, सर्वेयर की 5, कारपेंटर की 3, प्लम्बर की आपकी 2, मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर उसकी होने वाली है 1 वैकेंसी, और इसी के साथ टेलीकॉम मैकेनिक जिसकी होने वाली है 2 वैकेंसी। तो जितने भी अभी तक मैंने आपको ट्रेड बताया उन सब के लिए मिनिमम आपके पास 10वीं पास और उसी के साथ साथ उस ट्रेड में ITI होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप इलेक्ट्रिशियन का अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 10वीं पास और साथ साथ में ITI होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। इसी तरह जितने भी मैंने आपको ट्रेड बताया उन सब के लिए मिनिमम 10वीं पास और 10वीं के साथ आपके पास ITI होना चाहिए उस ट्रेड में। और इसमें जो ट्रेनिंग पीरियड आपका होगा वो होगा 1 साल का। लेकिन इसके अलावा 3 और ट्रेड बचे हैं, वो ट्रेड है आपकी हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट जिसकी 2 वैकेंसी है, शॉर्ट फायर या ब्लास्टर उसकी 14, और अगला है मेट माइंस में तो उसकी है 18। जो ये 3 ट्रेड बची इसके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास ही चाहिए, इसमें ITI की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें जो ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है वो 1 साल की जगह होगा 2 साल का। तो ये तो बात हुई ट्रेड वाइज 120 वैकेंसी किस तरह डिवाइडेड है, और मैंने आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता ही दिया कि मिनिमम 10वीं पास चाहिए 3 ट्रेड्स के लिए, लेकिन उसके अलावा बाकी जो ट्रेड है उनके लिए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ITI चाहिए और उसी के साथ साथ आप 10वीं पास भी होने चाहिए। तो चलिए अब कुछ और महत्वपूर्ण बातों के बारे में जान लेते हैं। जो ITI आपने पास किया है वो NCVT या फिर SCVT द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए, और इसी के साथ साथ जिन कैंडिडेट्स ने अपना ITI सर्टिफिकेट 2016 से पहले पास किया है उन्हें जब वो अप्लाई करेंगे इस रिक्रूटमेंट को तो उन्हें एक एफिडेविट सबमिट करना होगा, और जिसमें उन्हें एक्सेप्ट करना होगा, जिसमें उन्हें बताना होगा कि 2016 से पहले जिन्होंने ITI पास किया उन्हें बताना होगा कि उन्होंने 2016 से पहले जिन्होंने ITI पास किया उन्होंने अब तक कोई भी किसी तरह की अप्रेंटिसशिप में भाग नहीं लिया है और ना ही उन्होंने किसी तरह की नौकरी को ज्वाइन किया है। और इसी के साथ साथ जो इस नौकरी को अप्लाई करने के लिए एज लिमिट होने वाली है वो है 25 साल, और 25 साल आपकी एज लिमिट काउंट की जाएगी 31 जनवरी 2020 को। जी हां, 31 जनवरी 2020 को आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन SC ST और OBC कैंडिडेट्स को, SC ST को 5 साल का और OBC कैंडिडेट्स को 3 साल का अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और चलिए अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आपका होगा इसमें टेस्ट, और उस टेस्ट का नाम है मल्टीपल चॉइस रिटन टेस्ट इसमें होगा, और जब आप वो टेस्ट क्लियर करेंगे तो उसके बाद आपका एक मेडिकल यानी फिजिकल टेस्ट भी आपका होगा, क्योंकि आप इस जो ट्रेड अप्रेंटिस है इसको अप्लाई करने के लिए आप फिजिकली फिट भी होना जरूरी है। और जो डेट जो आपका टेस्ट होगा वो होगा 29 मार्च 2020 को, लेकिन ये डेट फिक्स नहीं है, टेंटेटिव है और ये चेंज भी हो सकती है। और जो टेस्ट की जगह है वो आपकी है DAV HCL पब्लिक स्कूल मलाजखंड बालाघाट मध्य प्रदेश। तो जी हाँ, ये होने वाली है आपका वेन्यू यानी जहाँ पे आपका टेस्ट होगा, DAV HCL पब्लिक स्कूल मलाजखंड बालाघाट मध्य प्रदेश आपका वेन्यू है। और जो डेट आई है टेंटेटिव यानी फिक्स डेट नहीं है, वो आपकी है 29 मार्च 2020। और चलिए अब बात कर लेते हैं कि आप इस नौकरी को अप्लाई कैसे करेंगे। तो इस नौकरी को अप्लाई करने के लिए होने वाले हैं 2 पार्ट। पहले आपको अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा, और उसके बाद जो आपको ऑफलाइन फॉर्म दिया गया है उसे भरकर आपको भेजना होगा। तो सबसे पहले चलिए शुरू कर लेते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसमें कैसे होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको करवाना होगा अपने आप को
यानी तीन www.apprenticeship.gov.in पर आप जाएंगे। उसके बाद आप establishment मेन्यू के अंदर establishment सर्च नाम का जो आपको डब्बा मिलेगा उसे आपको सर्च करना है, और उसको सर्च करने के बाद आपको ढूंढना होगा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट। उसको आपको सर्च करना होगा, आपको सर्च करना होगा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिशमेंट सर्च के बॉक्स में, और उसके बाद आप वहां पर जाएं और अपने आप को रजिस्टर्ड कर लें। और जब आप अपने आप को वहां पर रजिस्टर्ड कर लेंगे तो आपको एक यूनिक नंबर मिलेगा, यानी आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, और उस रजिस्ट्रेशन नंबर का आप इस्तेमाल करेंगे ऑफलाइन एप्लीकेशन के लिए। तो इसमें होने वाली है ऑफलाइन एप्लीकेशन, ऑफलाइन एप्लीकेशन और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाके आप सारी जानकारी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो ऑफलाइन फॉर्म है आप उसे डाउनलोड कर ले, डाउनलोड करने के बाद प्रिंट करवा ले और उसे भर ले। और जब आप ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे तो जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया उसकी जो आपको यूनिक नंबर, जो नंबर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी, वो आपको ऑफलाइन फॉर्म में भरना होगा। तो चलिए आप जान लेते हैं कि ऑफलाइन फॉर्म जब अप्लाई करेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में भेजने होंगे। तो सबसे पहले जो आपको भेजना होगा वो भेजना होगा आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, यानी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपको भेजनी होंगी सारे सर्टिफिकेट मार्कशीट टेस्टिमोनियल की, जो कि रिलेटेड है आपकी एज यानी उम्र, क्वालिफिकेशन और कास्ट से रिलेटेड, यानी अगर आप एससी एसटी के लिए अप्लाई करें तो उसका सर्टिफिकेट, अगर आप अप्लाई करें ओबीसी हैं आप तो आप अप्लाई करें तो उसका सर्टिफिकेट। इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स मैंने आपको बताया 2016 से पहले पास किया उन्हें एफिडेविट भी देना होगा, जिसमें उन्होंने कहा होगा कि उन्होंने 2016 से पहले जिन्होंने पास किया उन्होंने किसी भी तरह की ट्रेनिंग या अप्रेंटिसशिप अब तक नहीं करी है और ना ही किसी भी तरह की नौकरी या एम्प्लॉयमेंट लिया है। इसी के साथ आपको भेजना होगा कॉपी ऑफ आधार कार्ड, और जैसे कि मैंने आपको बताया www.apprenticeship.gov.in पर भी आपको रजिस्टर करना होगा, और रजिस्ट्रेशन की जो आईडी मिलेगी ऑफलाइन फॉर्म में लिखनी होगी, उसमें एक आपको बॉक्स दिया है, और इसी के साथ साथ दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो इतनी सारी चीजें आपको ऑफलाइन भेजनी होंगी। और इसी के साथ आपको किस एड्रेस पे भेजना होगा ये ऑफलाइन फॉर्म, तो आपको भेजना होगा मैनेजर एचआर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट तहसील बिरसा पोस्ट ऑफिस मलाजखंड डिस्ट्रिक्ट बालाघाट मध्य प्रदेश 481116। और इसी के साथ साथ जो एप्लीकेशन आपकी पहुंच जानी चाहिए ऑफलाइन, जो एड्रेस मैंने आपको भी बताया, और जो लास्ट डेट होने वाली है वो है 12 मार्च 2020। जी हाँ, 12 मार्च 2020। तो मैंने आपके काम को आसान करने के लिए क्या किया है, मैंने आपको www.apprenticeship.gov.in का लिंक दिया है, वो से खोल के आप अपने आप को वहां पर रजिस्टर कर लीजिए पहले। उसके बाद आपको मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफलाइन फॉर्म दिया है, एक बार आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को खोल लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, उसमें ऑफलाइन फॉर्म नीचे दिया गया है, तो आप उसे एक बार ढंग से पढ़ लीजिए ताकि आप ऑफलाइन जब एप्लीकेशन भेजें तो आप कोई मिस्टेक ना करें, और आप जब ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर करें तो भी आप किसी तरह की मिस्टेक ना करें। लेकिन आप अभी सोच रहे होंगे कि मैंने फीस की बात क्यों नहीं की, क्योंकि इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह की फीस की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज देयर इज नो एप्लीकेशन फीस, यानी कि किसी भी तरह की एप्लीकेशन फीस इस नौकरी में नहीं है दोस्तों। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको आज का वीडियो आया पसंद तो दीजिए इसे लाइक, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल जॉब एक्सप्रेस, क्योंकि फीस तो नहीं है तो आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने सारे दोस्तों के साथ। और इसी के साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और ट्विटर पे भी, फेसबुक और ट्विटर पे मेरी आईडी है जॉब एक्सप्रेस 1। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।